अगर आपका डिवाइस में MIUI 14 या HyperOS है तो आप एक नया फीचर गैलरी में ऐड कर सकते हैं, जो कि उस फीचर का नाम है AI पोर्ट्रेट, जो कि HyperOS में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और अभी आपका ये फीचर पहले आपका ग्लोबली टच चाइना रॉम में था और अभी आपका ग्लोबली अभी अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आपको ये चाहिए तो ये आप इंस्टॉल करके अनेबल कर सकते हैं या अपडेट करके बेसिकली। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक पोर्ट्रेट फोटो चाहिए, जो कि ये फोटो मेरा ही है। तो इसमें आप ट्राई करते हैं और थोड़ा लगाते हैं लिपस्टिक विपस्टिक, तो उसी से काम बनता है क्योंकि वो फीचर भी वैसे ही काम करता है। तो देखो अब मेरे को एकदम मतलब ये नॉर्मल इसी फ़ोन से क्लिक किया गया फोटो है। और ब्यूटीफाई में आप जैसे अपडेट कीजिएगा AI पोर्ट्रेट को और फिर आपको ये कुछ ऑप्शंस देखने मिलता है, जो कि देख सकते हैं आपको मतलब 4-5 ऑप्शंस देखने मिल जाएगा। और ये बेसिकली एक फिल्टर है आपका ब्यूटी प्लस टाइप कुछ मतलब फीचर्स के साथ। तो मैं मतलब मेरे को पर्सनली ये सब फीचर्स उतना अच्छा नहीं लगता, बट अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो फीचर रहना अच्छा बात है, अब किसको कोई कौन सा यूज़ करना वो तो उस पर डिपेंड करता, बट हाँ इसमें आपको फीचर ये स्मार्ट वाला देखने मिल जाता, जो कि AI से डिटेक्ट करके आपका जितना भी मतलब जो भी दाग है फेस में और जो भी प्रॉब्लम्स है मतलब वो परफेक्ट कर सकता है, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट कर सकता है। लगेगा कि ऑयल पेस्टल और मतलब फोटो टाइप नहीं लगेगा, तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर आपको HD पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने मिलता है, ये मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो HD पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने मिलता है और स्मार्ट का ऑप्शन देखने मिलता है और आप मैनुअली भी सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी चाहिए वो आपको इसमें ऑप्शन अभी देखने मिल जाता है, बट स्मार्ट और HD पोर्ट्रेट अगर आपको ऑटो में चाहिए सब कुछ AI से तो वो आप कर सकते हो, और अगर आपको मैनुअली चाहिए तो आपको ये ऑप्शन तो देखने को मिलता ही है, जहाँ पे आप स्किन फेस बॉडी सभी कुछ का जो है कस्टम बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको चाहिए शेप और साइज कलर्स सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो इसको ट्राई करो, अपडेट कर लो। मोस्ट ऑफली ज़्यादातर जो है नया डिवाइस में ये फीचर अनेबल होगा, सभी डिवाइस में नहीं होगा और रेडमी डिवाइस में भी आई गेस ज़्यादातर में नहीं होने वाला। तो देखो अब कौन सा डिवाइस में अनेबल हुआ, ये मेरा पोको X6 प्रो 5G में परफेक्टली काम कर रहा है, Mi 11X में परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर आपके ये सब दो डिवाइस है तो ये दो डिवाइस में तो काम कर ही जाएगा, अगर दूसरा डिवाइस है तो मेरे को नहीं पता, अब देखना होगा कौन कौन सा डिवाइस में काम कर रहा है। तो अगर आपको अपडेट करना है तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, 41 MB का है, जो पहले डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद सेव करो, सेव करने के बाद जाओ फाइल मैनेजर में जाओ रिसेंट में, या फिर नहीं तो APKs में जाओ, आपको ये ऐप देखने मिल जाएगा AI पोर्ट्रेट, जल्दी से जाकर इसको जो है टैप करके अपडेट कर लो। और अपडेट करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो है गैलरी ऐप में एडिट का ऑप्शन में एक नया फीचर, जो कि स्मार्ट और AI पोर्ट्रेट्स के नाम से देखने को मिलेगा। तो जाओ ट्राई करो, बताओ कैसा लगा आपको ये फीचर, जो कि HyperOS का नया फीचर, पहले आपका क्लोज बीटा चाइना रॉम में था, अभी आपको ग्लोबली अवेलेबल हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन पावर में पावर ऐसे वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।